इसी तरह एक स्टूडेंट सही अपना करियर बनाना चाह रहा है, सही चीजें करना चाह रहा है, लेकिन टीचर की तरफ से भी कभी कभी उस तरह की अटैचमेंट या मोटिवेशन होती है कि वो स्किल इंसान के बाहर आ जाते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि ये कर भी सकता है या नहीं। तो ये इस पे आप लोग काम करते हैं? देखिए, इस पे डेफिनेटली पहले तो बच्चों को जो है ना रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट्स और टीचर रिलेशनशिप वो बहुत जरूरी है जी। अगर वो डेवलप हो जाती है ना, उसके बाद वी हैव सीन मिरेकल अमंग द स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे तो ऐसे आते हैं, बिलीव यू नॉट, कि जब शुरू में आते हैं तो हमें डर लगता है कि आया क्यों इस फील्ड में, ठीक है ना। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि इफ यू स्टार्ट कमिटिंग द मिस्टेक, तो आप तो वो दे स्टार्ट कमिट। मुझे याद है कि एक बच्ची थी, जब शुरू में आई मेरे पास तो मुझे खौफ आता था कि ये क्यों आई, बट वो इतनी दफा सवाल पूछती थी और जैसे कहीं फंसी रूम में आगे के सर इसका सवाल बताते हैं, आती रही। एक सेशन गुजरा, उसको कॉन्फिडेंस आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट आया तो उसमें आना उसने कम कर दिया। थर्ड में जाके बिलीव यू नॉट, इसके पेपर के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग वो बड़ा मुश्किल पेपर होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, और पहले वो एडवांस लेवल पे था। तो अगर मुझे किसी से सवाल पूछना होता था कि इसका सही आंसर कहाँ होगा, तो उस बच्ची से आता था। क्या बात। तो आप सोचेंगे जिससे मुझे डर लगता था कि वो आई क्यों है, और सबसे मुश्किल पेपर पे जाके जो है वो मुझे अगर कभी भी कोई सही आंसर आता था, और उसके फिर आंसर गलत होते ही नहीं थे। सी दिस इज द डिफरेंस। कि जब देखिए, अभी भी मैं अपने करंट बच्चों को ये कहता हूँ, जब तक आपका ट्रस्ट लेवल जो है ना वो किसी टीचर के ऊपर नहीं आएगा, आप सीख उससे नहीं सकते। तो अगर आपका ट्रस्ट लेवल आ जाता है तो डेफिनेटली। अब देखिए, शाजिया का जो है ये जो सारी लेगेसी है उसमें एक और एरिया है कि इसका ट्रस्ट लेवल जो है वो सर माजिद के ऊपर वो शायद सबसे ज्यादा है। तो उस ट्रस्ट लेवल की वजह से जो है वो जो दूसरे स्टूडेंट सीख रहे होते हैं उससे ये ज्यादा सीख रही होती है, क्योंकि उसका ट्रस्ट लेवल जो है वो बहुत डेवलप हो गया।